Welcome to students. How are you? Very good. We hope that you are so much fine with you, with your friends, with your family members, and you are studying at your home. Okay? And you are studying chapter number 8, motion topic in text question. Today we are taking a topic in text question. In this last previous videos, we have studied about the previous in text question of same page number. Okay, so we will further solve the another one next questions. In this in text question, we take the question number 3. I have not written here the question number 3. Please concentrate. Please look on your book. And this in book, page number 110. Question number 3 is here. Page number 110, question number 3 is there. A trolley while going down an inclined plane. आप क्वेश्चन को बिल्कुल प्यार से समझिएगा, उसको अच्छी तरीके से जानिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है. क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, अपनों को तो ये पता लगाना है कि उसमें गिवन क्या क्या है. फिर हमें ये बताना है कि उसमें फाइंड क्या करना है. फिर अपने ये पता लगाना है कि उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है. फिर हमें ये पता लगाना है कि वो जो फार्मूले में जो भी अपने वैल्यूज है वो सभी वैल्यूज गिवन है या नहीं है. ठीक है ना, तो हम यहाँ तक हम देखेंगे. अब क्वेश्चन को एक बार रीड करें. अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. एक ट्रॉली जो है इंक्लाइंड प्लेन पर चल रही है. इंक्लाइंड प्लेन को हम ज़्यादा समझना नहीं है क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है. इंक्लाइंड प्लेन जो होता है एक सिंपल एक हॉरिजेंटल जो होता है हॉरिजेंटल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इस तरीके से ढलान बनी हुई होती है. तो वहाँ पर ये जो इंक्लाइंड प्लेन बनता है दैट इज इंक्लाइंड प्लेन बनता है. तो हमें इससे मतलब नहीं, आप लोगों को मतलब है कि ट्रॉली जो है वो चल रही है. ठीक है ना, तो एक जो ट्रॉली है वो चल रही है और यहाँ पर हमें ये देखना हैज एन एक्सेलरेशन और उसका एक्सेलरेशन गिवन है. अ ट्रॉली हैविंग एन एक्सेलरेशन Having an acceleration, A double C E L E, E L E R A T I O N, ठीक है. So a trolley having an acceleration, acceleration अपने को दे रखा है 2 centimeter, कितना दे रखा है 2 centimeter per second square, ये given है 2 centimeter per second square given है. What will be the velocity? Velocity क्या होगी? ठीक है ना, तो हमें अपनों को find क्या करना है? Velocity find करनी है. मैं तो बिल्कुल वही लिख रहा हूँ जैसा बुक में दे रखा है. बुक में जो जो बोल रहा है पहले तो उसको उठाकर गिवन में डालो. उसने कहा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन लिख दिया. उसने कहा वेलोसिटी पता नहीं है, हमने वेलोसिटी को क्वेश्चन मार्क लगा दिया. ठीक है भाई वेलोसिटी बता देंगे. वो कहता है कि वेलोसिटी बताओ 3 सेकेंड में. तो हमारे पास टाइम जो है गिवन है, टाइम इज व्हाट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड गिवन है. ठीक है ना, आफ्टर स्टार्ट. अब ये चीज तो है गिवन गिवन. अब हम थोड़ा सा अपना माइंड लगाएंगे ये क्या रहा है कि ट्रॉली जो होती है वो स्टार्ट होने के बाद 3 सेकेंड के अंदर अंदर उसने इतनी एक्सेलरेशन उसकी थी, 3 सेकेंड में इतनी एक्सेलरेशन थी. तो फिर वेलोसिटी यानी स्पीड क्या होगी? ठीक है ना, तो वो स्पीड अपन पता लगानी है. अब ये जो जब वो स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग के टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत में जो उस ट्रॉली की स्पीड थी वो 0 थी. क्यों थी? क्योंकि वो भी स्टार्ट हुई है. सो हियर इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? u इक्वल टू व्हाट? 0. इक्वल टू क्या? 0 थी. तो फिर हमें कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी. वेलोसिटी कौन सी? फाइनल, जिसको हम कहते हैं v. ये हमें पता लगा. अब हमने इससे ये चीज पता लगाई
कि वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी पता करनी है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है और फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। टाइम हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगेगा ये पता लगाना है। फिर हमने देखा, फिर हमने चेक किया कि भाई इक्वेशंस तो कौन कौन सी है। एक तो है अपने पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या होगी, s इक्वल टू हाफ s इक्वल टू यू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन क्या होगी, 2as equal to b square minus u square हो गई, ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। Are you getting my point? तो ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशंस को हमें सबसे पहले तो याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कौन सी इक्वेशन का यूज करें, तो चलो देखते हैं। पता लगाना है तो फाइनल वेलोसिटी v, तो ये v निकालने का फार्मूला है, क्या है, u plus a t। तो हमें ये देखना है u गिवन है, ठीक है गिवन है, a गिवन है, गिवन है t, गिवन है, गिवन है, यानी दैट इट्स ऑल द क्वांटिटीज हैज बीन गिवन, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द v यूजिंग दिस इक्वेशन। सो v इक्वल टू u प्लस a t, दैट इट मींस u इज व्हाट हियर, 0 प्लस a 2 इनटू t 3, ओके। सो व्हाट वी गेट हियर, 6 क्या चीज, v क्या है, वेलोसिटी, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां पर मीटर दे रखा है क्या, यहां पर कहीं पर भी लेंथ मीटर में नहीं दे रखी, यहां पर लेंथ है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके। सो दैट v इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी हमने पता करी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ओके, वेरी गुड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसी क्वेश्चंस को हम एक बार यहाँ पर रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमने दो इक्वेशंस लिख रखी है, यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख रखी है, तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है हम 4 करते हैं, हियर वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो ये कह रहा है, इसको हम पढ़ेंगे। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक रेसिंग कार जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखता है, यानी एक बराबर एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन कितनी गिवन है जी, वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो गिवन की बात करते हैं हम, सबसे पहले तो गिवन में लिखते हैं अ यूनिफॉर्म कार, गिवन अ कार है, अ कार हैविंग what acceleration, an acceleration ठीक है ना, having an acceleration, acceleration कितनी given है भाई, 4 meter per second square, तो ये जी हमें given है 4 meter per second square, हमें given है 4 meter per second square given है, वेरी गुड। वट डिस्टेंस विल इट कवर, फाइंड क्या करनी है अपने को, डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, ये अपनों को पता लगाना है। मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिख दिया है, ये अपनों को पता लगाना है। और ये क्या कह रहे हैं, इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर, तो हमें टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आफ्टर स्टार्ट, यानी एक कार जो है वो स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के 10 सेकंड के अंदर अंदर उसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हो गई, ठीक है ना, और उसने जो है कितनी डिस्टेंस कवर करी है उस 10 सेकंड में, ये अपनों को पता लगा दी है, ठीक है। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, अब ये डिस्टेंस टाइम क्या दे रखा है, टी है, दिस वन इज व्हाट, ये क्या चीज है, टी, ये क्या है, a, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, s, हमें पता लगाना है s, सो डिस्टेंस s पता लगाने का फॉर्मूला क्या है, s पता लगाने का ये भी फॉर्मूला है और ये भी है,
तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें t है, है a है, यस, और u है क्या, u है, u का पता नहीं है, चलो u का पता करते हैं। तो इसमें दे रखा है आफ्टर स्टार्ट, शुरुआत होने के बाद, यानी कि u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। सो दैट इट मींस हियर इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम क्या कहते हैं, u, क्या है, जीरो, ठीक है। तो अब हम इससे हम पता लगाएंगे s, डिस्टेंस पता लगाएंगे। सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u क्या हो जाएगा, जीरो, यानी जीरो इंटू टी जीरो, पूरा कंप्लीट क्या हो गया, टर्म जीरो हो गया, प्लस हाफ इंटू a, एक्सेलरेशन कितना है, 4 इंटू टी, टाइम कितना है, 10 सेकेंड इंटू 10 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा जी, 50 and 200, दिस वन इज कॉल्ड 200, ये क्या आ जाएगा, 200। अभी 200 आया क्या है, ये 200 आया है s, s क्या है, डिस्टेंस, s क्या चीज है, डिस्टेंस है, तो ये हमने s निकाला है, और डिस्टेंस निकाला है तो डिस्टेंस की यूनिट यानी लेंथ की यूनिट इसमें क्या दे रखी है, मीटर दे रखी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 200 मीटर, ओके। सो डिस्टेंस ये दिस वन है, सो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 200 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 200 मीटर कवर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये हमने अभी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 किया। आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा है ना, तो ब्रैकेट में a लिख देना, यहाँ पर डिस्टेंस कवर दे रखा है तो हमारा मतलब ब्रैकेट में क्या है ये, s, यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर ब्रैकेट में t कर देना, ओके, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी का हमने कर दिया है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा जरूरत है, और आप इसको थोड़ा सा दिमाग में भी उतारिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसी वीडियो के अंदर ही, तब तक आप इसको कॉपी कर लो। सी क्वेश्चन नंबर 5, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट क्वेश्चन पेज 109। दिस क्वेश्चन अ स्टोन, क्वेश्चन मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप देखें, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, एक पत्थर जो है ये ऊपर की तरफ फेंका गया, तो सपोज कि ये जो है यहां पर है, हम ये ग्राउंड का साइन होता है, दिस साइन इज ग्राउंड, ठीक है, और ये यहां पर यू लिखा हुआ है, ये हो गया यू, ठीक है, ये ग्राउंड का साइन है। तो एक स्टोन जो है वो यहां से फेंका गया स्टोन जो है, और वो ऊपर आकर, यानी उसकी स्टोन जो है वो यहां पर जब फेंका गया है, एक्चुअली वो स्टोन जो है वो यहां से फेंका गया, ग्राउंड से नीचे नहीं, बट ये ऊपर जो है थोड़ा सा ऊपर है और नीचे ग्राउंड है, तो यहाँ से फेंका गया है, और वो यहाँ पर आकर उसकी कुछ स्पीड थी 5 meter per second, यानी कि हम इस टुकड़े की बात कर रहे हैं, हम केवल इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ये टाइम पीरियड में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 5 meter per second। अब वो स्टोन ऊपर फेंका गया तो ऊपर जाकर रुक गया, तो यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी वो भी 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एक बार रीड करें, स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 meter per second, वेलोसिटी क्या है, 5 meter per second, तो ये है हमारी यू, यू क्या है, वेलोसिटी, इसके साथ फेंका गया, इसके साथ स्टोन को फेंका गया, यानी जब फेंका गया तब उसकी वेलोसिटी थी 5 meter per second, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, यू है, ये यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है, वी, यानी फाइनल वेलोसिटी। अब वो पत्थर ऊपर जाकर रुक गया, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई,
इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, स्टोन का जो एक्सेलरेशन है मतलब ये ए है, ये क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ द पॉइंट टू नोट इज दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब सोचने वाली बात है कि एक्सेलरेशन अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे कि उसमें एक्सेलरेशन में डायरेक्शन नहीं आ रही थी, अब एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी आ गई है, हम इस तरीके से चल रहे हैं, दैट इज द मूवमेंट, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में ही चल रहा है, ठीक है ना, इसलिए वो प्लस ही चल रहा था। अब यहाँ पर क्या है, मोशन यानी जो मोशन है वो इस तरीके से हो रहा है, मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है मोशन, और एक्सेलरेशन लग रहा है इसके अपोजिट में, और ये लग रहा है अपोजिट में, तो फिर ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस 10 हो गया। ओके, एक्सेलरेशन माइनस 10 क्यों हुआ, क्योंकि ये मोशन के अपोजिट में एक्सेलरेशन चल रहा है। अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम चल भी उसी डायरेक्शन में रहे थे और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा था। ओके, अब जो एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट, हाइट क्या होगी जो कि उस पत्थर ने उस स्टोन ने ली है, अटेन की है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकाल ली है। सो गिवन एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ, यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ it is opposite to direction of motion, ये माइनस 10 में आ गई क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसके ऑपोजिट में एक्सेलरेशन चल रहा है, तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। अब जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी, अभी हम गिवन पार्ट लिख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी यानी v इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है u, यानी कि जो u हो गया वो क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड हो गया। हमें निकालनी है डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस स्टोन, दैट इट मींस s इक्वल टू, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमने यहां पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो कह रहे हैं डिस्टेंस निकालनी है, आप डिस्टेंस निकालने के लिए जो हमारे पास, हमने सभी लिख लिए यहां पर हमने जो है सब कुछ लिख लिया है, यहां पर डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as इक्वल टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आप किसी भी फॉर्मूले से कर दो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर हम इससे कर रहे हैं तो s को प्रो को निकालना है, a हमारे पास गिवन है, v है, u है, ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें s भी निकालना है और t भी हमें नहीं पता है, ठीक है, तो अब यहां पर 2as, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वेयर है, यहां वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ठीक है ना, तो अब हम इसे s निकालेंगे, सो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, तो अब हम इसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, हमने करा कि s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा 0 माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस 10, हियर इज माइनस 10, सो व्हाट वी गेट हियर, -10
-25 अपॉन -20। ओके सो व्हाट वी गेट हियर, 1.25 क्या हो गया, 1.25। तो एट लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.25 मीटर। ठीक है, ये मीटर में गिवन है, कहां पर है भाई, ये देखो लेंथ मीटर में है, यहां पर क्या हो गया 1.25 मीटर। ये हो गई हमारे डिस्टेंस s। अब ये डिस्टेंस s 1.25 मीटर दे रखी है। अब इसने ये कह रहा है कि इसका मतलब ये जो स्टोन है उसने 1.25 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। अब नेक्स्ट में ये दे रखा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, कितना समय लगाया उसने, कितना समय लगाया भाई, हम देख सकते हैं, हमने देखा कि v समय कितना लगाया। अब हम इन दोनों इक्वेशन को देखो तो हमें निकालना है टाइम, हमारे पास s भी आ गया, ये सब आ गया। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो भी हमारे पास v है, u है, a है, तो हमें t का, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को कर लेंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, v इक्वल टू u प्लस a t। तो v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू क्या है 5, प्लस a की वैल्यू है -10 इंटू t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 अपॉन -10 इक्वल टू t, 1/2, इट मींस 0.5, इस मींस 0.5 आएगा, 0.5 क्या आएगा सेकंड, यानी कि हम फाइंड कर रहे हैं टी, तो 0.5 सेकंड्स। सो द वैल्यू ऑफ द टी इज व्हाट, 0.5 सेकंड्स, सेकंड्स में आएगा। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक इट व्हाट स्टोन, हाउ मच टाइम स्टोन विल टेक फ्रॉम हियर टू हियर, 0.5 सेकंड्स, एंड हाउ एनी डिस्टेंस इज कवर्ड, दैट डिस्टेंस इज 1.25 मीटर। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट यू गेट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके एंड यू हैव नो एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन विदाउट हेजिटेशन प्लीज कमेंट मी, प्लीज टॉक टू मी। ओके ओके, तो ये जो है हमने चेक करा, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि भी सर हमें वीडियोस जो है वो ग्रुप के अंदर नहीं आ रही, तो ध्यान रखिएगा ग्रुप के अंदर आए नहीं आए हम वीडियोस जो है प्रॉपरली अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, इसके लिए कि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो इसलिए हमने यूट्यूब के जो है अलग से हमने एक सब चैनल बना दिया है सचदेवा क्लासेस के नाम से, तो आपने उसमें भी देख सकते हो, और स्कूल की तरफ से भी आप उस वीडियोस जो है वो हम स्कूल की जो पर्टिकुलर ऑफिशियल जो आपके चैनल है उसमें भी हमने वो वीडियोस अपलोड करते रहते हैं रेगुलरली। ठीक है ना, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जहाँ भी जिस जो भी ऑप्शन आपको कन्वीनियंट लगे आप उस ऑप्शन पर जाइए और इनको फॉलो करिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, टिल देन थैंक यू।